का ठिकाना नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है, ज्ञान के करता तू ही उजाले, ज्ञान के करता तू ही उजाले। नैया कर दी है तेरे हवाले, ईश्वर पुत्र जगत से हो न्यारे, तेरे सब काम जग से निराले। महाराज, आज मेरा मन बहुत व्यथित है, मैं कहीं चैन से बैठ नहीं सकता। क्या बात है नारद जी, क्या कोई अनहोनी हो गई है क्या? मैं अभी अभी मृत्यु लोक का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। मृत्यु लोक के मनुष्यों की दशा देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मृत्यु लोक में प्रत्येक मनुष्य बड़ा दुखी और अशांत है। ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? जी महाराज, इन लोगों का दुख देखकर मेरा हृदय करुणामय हो गया है। अच्छा, तो मृत्यु लोक में जो मनुष्य दुखी हैं, उन्हें दुख से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें लाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप आज्ञा दें तो उन लोगों को ऐसी दुर्दशा में से बाहर निकालकर लाने का प्रयत्न करके देखूं। मुझे उम्मीद है कि संसार के सभी मनुष्य मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। भले मुनिवर, अगर उन लोगों के लिए आपके मन में शुभ भावना है तो मृत्यु लोक में से एक मनुष्य को जरूर लेकर आइए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही सीट खाली है। नारायण नारायण। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। मत चूको मत चूको, एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है। लोगों देखो स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है।
हाँ वो अहमदाबाद में है ना, माणिकचंद एंड माणिकचंद कंपनी, उसके माल का ऑर्डर का क्या हुआ? हाँ अहमदाबाद की माणिकचंद एंड माणिकचंद कंपनी का ऑर्डर तो आज ही मिल गया हमें फैक्स पर। ठीक है तुम जल्दी से पैकिंग करवा दो, किंतु जरा ध्यान से समझे, मिर्च के 500 पैकेट में 200 पैकेट कौन से? वो अपने पीछे वाले गोडाउन में से, अरे वो ईंटों के पाउडर में से जो बनाते ना मिर्च, वो वाले मिला देना, और नमकीन के 1000 पैकेट में वो बाजू वाले गोडाउन में, अरे वो जो नकली तेल से हम माल बनाते हैं ना उसी के 400 पैकेट को मिला देना। ध्यान रखना आज कल किस पर विश्वास रखने जैसा नहीं है, समझे? जाओ। नैतिकता का मरण हुआ, राम कतब अवतरण हुआ, नैतिकता का मरण हुआ, राम कतब अवतरण हुआ, रावण के शुक वाटिका में सीता का अवतरण हुआ, नैतिकता का मरण हुआ, राम कतब अवतरण हुआ, रावण के शोक वाटिका में सीता का अपहरण हुआ, सोने की हो सोने की लंका अब तो जलने वाले है, जल्दी कीजिए लंका जलने वाले है, जल्दी कीजिए लंका जलने वाली है। सफल करो अपना सारा सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, छोड़ो काम की मस्ती को, छोड़ो क्रोध की हस्ती को, छोड़ो काम की मस्ती को, छोड़ो क्रोध की हस्ती को, लोभ मोह की बस्ती को, अहंकार की गद्दी को, छोड़ो काम की मस्ती को, छोड़ो क्रोध की हस्ती को, लोभ मोह की बस्ती को, अहंकार की गद्दी को, नर्क वाली हो नर्क वाली कश्ती गर्क अब होने वाली है, जल्दी कीजिए स्वर्ग में सीट खाली है, जल्दी कीजिए स्वर्ग में सीट खाली है। पद कई उम्मीदवार, एक अनार है सौ बीमार, एक ही पद कई उम्मीदवार, एक अनार है सौ बीमार, वैकुंठ जिसे सब कहते हैं वहां सुख शांति की है भरमार, एक ही पद कई उम्मीदवार,
उम्मीदवार, एक अनार है सौ बीमार, वैकुंठ जिसे सब कहते हैं, वह सुख शांतगी है भरमार। धरती पर हो, धरती पर अब जाएगी दुनिया बसने वाले हैं, जल्दी कीजिए दुनिया बसने वाली है, जल्दी कीजिए दुनिया बसने वाली है। लोगों देखो स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए दुनिया बसने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। मत चूको, मत चूको, एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है। लोगों देखो कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। नारायण नारायण जी, आप आइए पधारिए, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण, सुखी रहो, आइए पधारिए। काफी समय से आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आज आपके दर्शन हुए, धन्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण, महात्मन मैं आपको इस मृत्यु लोक के आश्रम में नहीं स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूं, जिसे पाने के लिए आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बने हुए हैं। वहां स्वर्ग में स्वयं धर्मराज ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर पधारने का निमंत्रण दिया है, इसलिए आप मेरे साथ आने के लिए जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। सचमुच खुशी के समाचार है मुनिवर, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ स्वर्ग में नहीं आ सकता। क्यों, क्या बात है, कोई समस्या है क्या? नहीं नारद जी, इस बार मुझे क्षमा कीजिए, मैं आश्रम के लिए बड़ा मकान बना लूं, दो चार ग्रंथों की रचना कर लूं, थोड़ा इस दुनिया में मान पान प्राप्त कर लूं, और उसके बाद ये सब सारा हमारे शिष्यों के नाम करके निवृत्त हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा, अभी नहीं। अरे कमाल कर रहे हैं आप, घर आए स्वर्ग को ठोकर लगा रहे हैं आप। नहीं, इस बार मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अभी कई सारे कार्य करने बाकी है। नारायण नारायण, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपकी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वहां ये आश्रम तो क्या सुखमय सुंदर और मनोरम दुनिया में आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा सुनहरा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि एक ही सीट खाली है। अरे मैंने एक बार कहा ना, मुझे आपके स्वर्ग में नहीं आना है, मेरे लिए तो मेरा आश्रम ही मेरा स्वर्ग है, जब तक मैं मेरे आश्रम को स्वर्ग नहीं बना दूंगा तब तक मैं ये आश्रम छोड़ के नहीं जा सकता। खबरदार,
स्वर्ग के बारे में मुझे एक शब्द भी मत कहना। एक तो यह मुसीबत खड़ी हुई है और आपको आपको आपके स्वर्ग की पड़ी है। जाइए यहां से, जाइए जाइए यहां से, वरना जैसी आपकी मर्जी। नारायण नारायण। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। मत चूको मत चूको, एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है। लोगों देखो स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। मत चूको मत चूको, एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है। लोगों देखो कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। मत चूको मत चूको, एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है। मैं बहुत बुरी आदतों से भरपूर हूँ, दम का रोगी हूँ, मुझे डायबिटीज भी है और मेरे घर वाले मुझे हर रोज दारू पीने से मना करते हैं, पर मैं दारू छोड़ ही नहीं सकता। मुनिराज, पहले आप मुझे इस दम के रोग से तो मुक्ति दिलवाइए। नारायण नारायण। ओके डन, पक्का, मैं आपके साथ स्वर्ग में जरूर आऊंगा, लेकिन आज तो लेडीज फर्स्ट का जमाना है, पहले मैं अपनी बीवी को पूछ तो लूं कि मैं तुम्हारे बिना अकेला स्वर्ग में जा सकता हूँ या नहीं। इस बार तो आपने कमाल कर दिया, कमाल का भाषण दिया है,
और आपने देश के नाम पे तो हमारा भला कर ही दिया है। मालिक, देश की गरीबी दूर हो या ना हो, हमारी गरीबी हम तो पैसे वाले हो ही जाएंगे। हाँ, वो तो है ही पलटूराम जी, हम पैसे वाले तो जरूर हो जाएंगे। खैर छोड़ो इस सब पर, पहले ये बताओ ये इलेक्शन की तैयारी सब कहाँ तक पहुंची है? मतलब सब बंदोबस्त हो गया ना? देखो भाई साहब, इस बार ये बाजी अपने हाथ से जा ही नहीं पाए, चाहे कुछ भी हो जाए ये इलेक्शन हम जरूर जीतेंगे। मालिक आप बेफिक्र रहिए, इस बार तो मैंने खाने का पीने का और बोगस वोटिंग का पूरा इंतजाम किया। नारायण। अरे भाई ये कौन नौटंकी वाला आ गया यहाँ? नारायण। नेताजी मैं नारद हूँ, मैं देवलोक से आया हूँ। अच्छा, तो आप वो देवभूमि वाले नारद जी हैं? नमस्कार नारद जी, देवलोक में आजकल राजकाज में क्या चल रहा है? नारायण, देवलोक में सब कुशल मंगल है। लेकिन सेवक राम जी, आप बताइए कैसे हैं आप? अरे मुनिवर, हम क्या बताए, बस हमने आपके दर्शन किए मानो हमारे भाग्य खुल गए। नेताजी भाग्य तो अब आपका खुलने वाला है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान आपका भाग्य बनाने के लिए बैठे हैं। इसलिए हम आपके लिए एक शुभ संदेश लेके आए हैं। क्या कह रहे हैं मुनिवर? तो फिर मैं इलेक्शन जरूर जीत जाऊंगा, आप जरूर यही शुभ समाचार लेके आए हैं ना? नेताजी, इस संसार के चुनाव में हार जीत तो चलती ही रहेगी और नेतागिरी भी। तो फिर क्या शुभ समाचार है? कोई बड़ा चांस है क्या मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा? इससे भी बड़ा और सुनहरा मौका है आपके लिए, स्वयं धर्मराज महाराज ने आपको चुना है, इसलिए बिना देर किए तैयार हो जाइए, एक ही सीट खाली है। क्या कह रहे हैं मुनिवर, स्वर्ग में सिर्फ एक ही सीट बाकी है? ये तो बहुत बड़ा चांस है। देखिए मुनिवर, स्वर्ग में जाना कौन पसंद नहीं करेगा, मैं स्वर्ग में जरूर आता, लेकिन वो बात यह है ना कि। क्या बात है सेवक राम जी? मुनिवर, अभी मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का काम करना पड़ता है। एक बार राष्ट्रीय नेता बन जाऊं और सब लोगों की सेवा कर लूं, बस खत्म। इन सब से छुट्टी लेकर स्वर्ग में ही आ जाना है। और देखिए, मैं वादे का बहुत पक्का हूं, लेकिन अभी मुझे माफ कीजिए, अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। लेकिन अभी तो आप पूरे देश को स्वर्ग बनाने की बातें कर रहे थे ना, वास्तव में। सच बात तो यह है मुनिवर कि सबसे पहले मैं अपने मकान को स्वर्ग से भी आलिशान बना लूं, फिर देश की बात तो है ही। नेताजी, स्वर्ग का अर्थ सिर्फ धन दौलत नहीं है, स्वर्ग तो उसे कहा जाता है जहां सर्व गुणों से संपन्न होकर सर्व के सहयोगी हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सदा खुशहाल रहते हो। इस तरह पूरे विश्व में राम राज्य लाने का कार्य तो पूरे विश्व के भगवान भी कर सकते हैं। मुनिवर, लेकिन इतना बड़ा निर्णय मैं अकेला कैसे ले सकता? हाँ, मैं अपने पार्टी हाईकमान को पूछकर आपको बताऊंगा। और मैं अकेला स्वर्ग में आऊं तो फिर मेरी पार्टी और मेरे साथियों का क्या होगा? और फिर मैं अकेला स्वर्ग में आऊं, ये अच्छा नहीं लगता ना, ये स्वार्थी कहलाएगा। देखिए सेवक राम जी, स्वर्ग में जाने के वक्त कोई किसी का साथ नहीं निभाता, पहले आप स्वर्ग में आइए, अगर आप आएंगे तो आप अपने मित्रों संबंधियों को भी स्वर्ग में बुला सकेंगे। लेकिन मुनिवर, मैं ही पहले क्यों? इसलिए कि आप भाग्यशाली हैं और भगवान ने आपको ही पहला मौका दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी बात मानिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, एक ही सीट खाली है। देखिए, अभी मेरे पास वक्त नहीं आपके साथ स्वर्ग में आने का,
आप यहां से जा सकते। अब जाइए यहां से, आप जाइए यहां से बस। अरे भैया पलटू राम, पलटू राम, चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है, चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है, मत चूको मत चूको, एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, लोगों देखो कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। भगवान अब तो तू मुझे उठा ले, प्रार्थना करते करते मैं अब थक गई हूँ। घर में भी कितने झगड़े होते रहते हैं, आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता, दांतों से मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, लकड़ी के बगैर मैं चल नहीं सकती हूँ। भगवान अब तो तू मुझे उठा ले, भगवान इस कलयुग से मुझे ले ले। हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, नारायण नारायण। लगता है ये वृद्धा अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी है, ये मेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो जाएगी, शायद मेरा काम बन गया। नारायण नारायण। आप कौन? नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण, लेकिन आप कौन? मैं नारद माता। नारद जी? नारायण। स्वयं आप? हाँ। मैं तो धन्य हो गई, आपके दर्शन करके मैं तो धन्य धन्य हो गई, मेरे पूर्व जन्म का पुण्योदय हो गया महाराज। अब आपकी तबीयत कैसी है माता? तबीयत क्या ठाक ठीक है, लेकिन आपने इस लोक में आने की तकलीफ क्यों की? नारायण नारायण, मैं धर्मराज महाराज की ओर से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ, ये संदेश सुन के आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और आप खुशी से झूम उठेगी। धर्मराज महाराज की ओर से मेरे लिए संदेश लाए हैं, जल्दी बताइए। माता जी, अब आपके दुखों का अंत आ गया समझो, क्योंकि आप बड़े भाग्यशाली हैं। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद किसी को ही ऐसा मौका मिलता है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाइए। अच्छा, तो आप मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं? स्वर्ग में आना किसको पसंद नहीं है, लेकिन अभी मेरे को यहाँ बहुत काम करने बाकी है, अभी मैं स्वर्ग में नहीं आ सकती। अरे माता जी, अब आपको इस उम्र में क्या काम करना बाकी है, अब तो आप संसार सागर के किनारे से पहुंच चुकी है। नारद जी, अगले हफ्ते मेरे पोते की शादी होने वाली है और दहेज में तगड़ी रकम मिलने वाली है, पता नहीं और क्या क्या मिलने वाला है। मेरे लड़के ने ये शादी में बहुत खर्चा किया है। लेकिन माता जी, ऐसी दुनियादारी के कार्य तो होते ही रहेंगे, लेकिन स्वर्ग में आने का ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। लेकिन आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इतनी बड़ी दुनिया है, किसको भी पकड़ लो। ने मैंने एक दफा बोल दिया ने, स्वर्ग में मेरे को नहीं आना है, बस नहीं आना है।
लेकिन अभी तो आप कह रहे थे ना कि हे भगवान मुझे स्वर्ग में बुला लो, मुझे स्वर्ग में बुला लो। तो मान लीजिए भगवान ने आपकी बात सुन ली और स्वर्ग में आपको पधारने का निमंत्रण दे दिया, फिर क्या बात है? चलिए तैयार हो जाइए। अरे नारद, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ मेरे पोते की शादी है, इतना बड़ा अवसर है, और तुम स्वर्ग में आने की बात कर रहे हो? मुझे नहीं आना है तेरे स्वर्ग में। तेरे स्वर्ग की तो ऐसी की कैसी। नारायण नारायण, ये वृद्धा भी स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं है। इतने दुख अपमान बीमारी होते हुए भी यहाँ की माया को त्यागना नहीं चाहती। धर्मराज सच कह रहे थे कि इस संसार में मनुष्य कितना भी दुखी हो, अशांत हो, वो सच्चे दिल से स्वर्ग में आना नहीं चाहता है। इंसान दलदल से जितना भी उठना चाहता है, दलदल में उतना ही फंसता जाता है। अजीब है ये संसार, संसार के लोग दुखी है, परेशान है, अशांत है, दुख छोड़कर सुख पाना चाहता है, लेकिन सर्व सदा सुखों से भरे हुए स्वर्ग में आना नहीं चाहते हैं। माया ने सिकंजे में ये संसार जकड़ रखा है, लोग इस सिकंजे से छूट ही नहीं सकते। किसको मिले, कहां जाए, किससे मिले? छोड़ो, अब ये सब हाल में धर्मराज को बता देता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। पधारिए नारद जी, सभा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, लगता है आपने अपना वादा पूरा कर दिया है। नारायण नारायण, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं मृत्यु लोक में बहुत लोगों के पास जाकर आया हूँ, एक एक को पूछा और स्वर्ग में आने के लिए समझाया। उनके गलत कर्म होते हुए भी मैंने उनको स्वर्ग में आने का प्रलोभन दिया, फिर भी सच्चे दिल से स्वर्ग में आने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं है। मेरे साथ एक भी मनुष्य स्वर्ग में आने के लिए आया ही नहीं है। क्षमा करें महाराज, मैं अपनी जिद पे बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन आप संसार में जो स्वर्ग के लायक मनुष्य हैं, उनके पास तो आप गए ही नहीं, और आप उनसे मिले बिना ही वापस चले आए। स्वर्ग के लिए लायक मनुष्य, वो भाग्यशाली मनुष्य कौन है महाराज? उनमें से एक है राज प्रकाश, मानो संसार में लाइट हाउस बन गए हैं। अब मैं आपको अपने मुख से ज्यादा महिमा करूं, उससे तो बेहतर है आप प्रकाश जी की स्वयं मुलाकात लें और स्वयं चलकर देख लें। नारायण नारायण, महाराज मैं अवश्य प्रकाश जी से मिलूंगा। मैं अभी उस महात्मा के दर्शन करने और स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण देने मृत्युलोक पहुंचता हूं। पर बेटा, तुम सुबह 6-7 बजे उठकर भी भगवान को याद कर सकते हो ना? मम्मी जी, सुबह 4 बजे जब ज्यादातर लोग सोए हुए होते हैं, तब दुनिया का वातावरण मायावी प्रभाव से मुक्त होता है। इसे अमृत वेले के समय भगवान से योग लगाना और उनसे बातें करना सहज हो जाता है, क्योंकि इसी समय हम भगवान से सीधा बात कर सकते हैं और भगवान भी हमसे बात कर सकते हैं, और इस समय विशेष शक्तियां भी मिलती हैं। बेटा, मुंबई जाकर आए हो, तुम इतने बदल गए हो। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे, पसंद हो, वही करना। मम्मी जी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं। प्रकाश, चलो चलो बेटा, नाश्ता तैयार है। जी मम्मी जी। प्रकाश, तुम तो इतने बदल गए हो, तब तुम्हें आसपास के लोग मिलेंगे तो शायद पहचान पाएंगे। अरे 5 साल पहले मेरा प्रकाश इतना चंचल स्वभाव का था, और उसकी बचकानी आदतों से आसपास के लोगों का जीना आराम कर दिया था। हर कॉलेज में जब पढ़ता था तब पढ़ाई में सबसे आगे और इतनी सारी एक्टिविटीज करता था, हर दोस्तों में देर रात तक मिलना जुलना रहता था, पता नहीं क्या क्या करता था। और आज मेरा बेटा जैसे कोई फरिश्ता उतर आया है धरती पर। मम्मी जी, आप तो कमाल करते हो, मैं आप ही का तो बेटा हूँ,
महिमा तो मुझे आपकी करनी चाहिए। अरे बेटा, मैं पूरे हफ्ते से देख रही हूँ, इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक तेरे चेहरे पर एक रोशनी सी छाई रहती है। थकावट की एक लकीर भी नहीं देखी मैंने। अकेले रहते हुए भी तो सबसे मिला जुला रहता है। जी मम्मी जी, राजयोग का प्रभाव ही ऐसा है जो जीवन में हर प्रकार की रोशनी भर देता है। अच्छा, तो इसीलिए रोज सुबह सुबह राजयोग का जादू भरने राजयोग सेंटर चला जाता है। जी भैया, आज शाम को ऑफिस से लौटने के बाद मैं आप सभी को राजयोग सेंटर पे ले जाऊंगा। अभी मुझे जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शाम को डिटेल में बात करेंगे। दरवेश, तुम अभी इसी वक्त पटेल एंड पटेल कंपनी की फाइल लेकर मेरे केबिन में आ जाओ। लेकिन सर, वो फाइल तो मेरे टेबल में से गुम हो गई है। कल तक तो मैंने उसे संभाल कर मेरे टेबल में रखी थी। अरे कहीं से भी वो फाइल ढूंढ निकालो, मुझे आज ही उस केस को फाइनल करना है। लेकिन सर, अब फिर मैं कहाँ ढूंढूं? वो मेरे टेबल पे ही नहीं है। अरे कैसी कमाल की बात करते हो तुम। अरे वो तुम्हारे टेबल की फाइल है, कहाँ गुम हो गई? लेकिन सर, हो सकता है किसी ने टेबल में से निकाल ली हो। लेकिन आप सबके टेबल की जांच क्यों नहीं करवाते? सुरेश कहाँ मर गया? सुरेश जी सर। सुरेश सुनो। यस सर। अभी इसी वक्त पूरी की पूरी ऑफिस छान मारो एंड पटेल कंपनी की फाइल लाकर मुझे दो। यस सर। इतना अच्छा आदमी और ऐसा बुरा काम। मुख में राम और बगल में छुरी वाला मामला है। प्रकाश जी, आप इतने अच्छे दिखते हो और ऐसा बुरा काम करते हो। अरे मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था आप ऐसा घटिया काम कर सकते हैं। जानते हो इस फाइल का इंपॉर्टेंस कितना है? एक तो चोरी की, ऊपर से छेड़छाड़ किया। हाँ, अब क्या करेंगे इस फाइल को हम? प्रकाश जी, आप एक काम कीजिए, आप अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाइए। अरे कमिश्नर साहब, मैंने इस फाइल को छुआ तक नहीं, मैं अभी इसे पहली बार ही देख रहा हूँ। मेरे टेबल से इस फाइल का निकलना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। प्रकाश जी, मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, आप इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए। सर, मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? सच्चाई मैं बताती हूँ, किसी निर्दोष को दोषित साबित होता देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये काम किसी और का है, प्रकाश जी का नहीं, और ये कमाल तो किसी और की है। मतलब आप कहना क्या चाहती है? मतलब यही कि ये कमाल हमारे धर्मेश जी और जयेश जी का है, उन्होंने ये सारी धमाल की है। ये दोनों जब सुबह ऑफिस आते वक्त प्लान बना रहे थे, तब हम दोनों कैंटीन से जल्दी से निकलकर वापस ऑफिस में जाकर मेरे पास पटेल एंड पटेल कंपनी का जो फाइल रहता है वो मेरे टेबल में से निकालकर फाइल के करेक्शन बनाकर उसके टेबल के अंदर छिपा देंगे। और आज मैनेजर साहब रिसेस के बाद ही आने वाले हैं, आते ही वो फाइल मांगेंगे। मैं उसको बता दूंगा मेरे टेबल में से फाइल गुम हो गया है। फिर हम दोनों प्रकाश के ऊपर चोरी और फाइल में गड़बड़ी का आरोप लगाएंगे। मैंने उनको अपनी आंखों से ये काम करते रिसेस के वक्त ऑफिस में छिपकर देखा था। साहब जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो धर्मेश ने ये प्लान बनाया था और मुझे बताया था, उसने ये और ये सब उसने किया है। फाइल में छेड़छाड़ उसी ने की है, छेड़छाड़ में उसी के हैंडराइटिंग है। धर्मेश और जयेश, तुम दोनों ने ये अच्छा काम नहीं किया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा घटिया काम करते हुए। ऐसे अच्छे आदमी को बदनाम करना बहुत बुरी बात है, और इसीलिए एक हफ्ते के लिए इस दफ्तर से मैं तुम दोनों को रिहा करता हूँ। जाइए, दफा हो जाइए। नहीं नहीं साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। प्रकाश जी, आप जानते नहीं है ये दोनों इसी के लायक है। और हाँ, एक बात, आपके अच्छे रिकॉर्ड के कारण आपके प्रमोशन के लिए मैं ऊपरी विभाग को आज ही आपकी सिफारिश भेज देता हूँ। नहीं साहब प्लीज, मैं स्वयं कहता हूँ आप इन्हों को माफ कर दीजिए, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, और कोई सजा नहीं देंगे तो मुझे खुशी होगी।
ठीक है प्रकाश जी, आप कहते हैं तो मैं इन दोनों को माफ कर देता हूं। माफ कर दो प्रकाश जी, आप कितने अच्छे, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं मेरे भाई। ये मेरी फाइल है। दलपत राम जी, मैंने आपकी फाइल देख ली है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी त्रुटियां भी हैं और इसमें एनओसी भी नहीं है। कानून अनुसार आपका यह प्रोजेक्ट पास कराना है तो आपको ये पेपर्स देने होंगे। प्रकाश जी, अगर आप चाहे तो बिना पेपर्स भी फाइल अप्रूव हो सकती है। आप कुछ कीजिए, आपको एनओसी चाहिए ना, मैं लाया हूं लेकिन वो बोगस है, लेकिन आप फाइल में रखकर पास करवा दीजिए, क्योंकि वैसे भी कमिश्नर को आप पे पूरा विश्वास है, मेरा काम हो जाएगा और मैं आपको खुश भी कर दूंगा। बस आप मेरा एक काम कर दीजिए। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे प्रकाश जी, मेरा प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, समझिए 5% आपके, मैं अब भी 5 लाख देने के लिए तैयार हूं। दलपत राम जी, कानून अनुसार आपको अगर ये प्रोजेक्ट पास कराना है तो आपको ये पेपर जरूर देने होंगे। बाकी मैंने पहले ना तो ऐसा काम कभी किया है और ना ही करना चाहता हूं। प्रकाश जी, आपको ज्यादा रुपये चाहिए ना, मैं आपको 10% देने के लिए तैयार हूं। दलपत राम जी, कानूनी तौर पर आपका काम सही होता तो मैं जरूर कर देता। कानून के हिसाब से अगर कोई मदद चाहिए तो बोलिए, मैं जरूर कर दूंगा, मुझे खुशी होगी, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मैं आपको लाखों रुपए की ऑफर कर रहा हूं और फिर भी आप कानून की पूंछ पकड़ कर बैठे। देखिए, मुझे यहाँ पे काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है जिससे मेरा गुजारा चल जाता है और कोई रास्ते से पैसा कमाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण, मेरे बॉस का नाम है। कौन है? मैं मोना। कौन है आप? जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण। मैं मोना, प्रकाश के साथ ऑफिस में काम करती हूँ। आप प्रकाश की माता जी है ना? जी, पर प्रकाश अभी घर पे नहीं है। माता जी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? ठीक है ठीक है, आइए बैठिए। हाँ कहो, क्या बात है? माँ जी, मैं प्रकाश और मेरे बारे में कुछ बात करने आई हूँ। प्रकाश और तुम्हारे बारे में? यूं पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। माँ जी, आप मुझे बेटा कहती हो ना, आप मेरे दुख की बात समझेंगे ना? हाँ हाँ जरूर, घबराओ मत, बोलो। माँ जी, मैं और प्रकाश। तुम और प्रकाश, क्या बात है? बेटा रो मत, मुझे अपनी माँ समझकर दिल खोलकर कहो, क्या बात है? माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों रोज ऑफिस के बाहर मिलते हैं। मुंबई में भी मैं उसके साथ थी। ये तो कई महीनों का प्यार है हमारा, और अब कब तक मैं इंतजार करती रहूं? मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया है, और प्रकाश ने भी मुझसे शादी का वादा किया था। लेकिन अब मैं जब प्रकाश से शादी की बात करती हूँ तो पता नहीं वो मेरी बात को क्यों टाल देता है। क्या, तुम्हारी और प्रकाश की शादी? पर प्रकाश ने तो आज तक मुझे कुछ नहीं बताया और तुम्हारे बारे में भी कभी कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो माँ जी मुझे आना पड़ा।
पता नहीं प्रकाश शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कहता। मम्मी जी मैं आ गया। आओ बेटा, हम लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। मेरी बातें? तुम्हारे ऑफिस से मोना आई हुई है। मेरे ऑफिस से मोना? ये रही। अरे बहन जी आप, कोई खास बात है क्या? आप हमारे घर पर आई? देखा माँ जी, प्रकाश किस तरह से बात कर रहा है। प्रकाश, मोना ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आखिर बात क्या है? बेटा मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और मोना का संबंध क्या है और तुमने ये बात मुझसे छिपाई क्यों? मोना से मेरा संबंध? आप क्या बोल रहे हैं मम्मी जी, आज तक मैंने आपसे कोई भी बात छिपाई नहीं है। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो अभी तक थी बेटे, मोना ने आकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। तुम अपने आप को राजयोगी कहलाते हो और मुझे अंधेरे में रखते हुए इतना कुछ कर दिया। स्वयं को बीके कहलाकर ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लगता है आप सभी मजाक के मूड में हो, लगता है कोई बढ़िया सा ड्रामा चल रहा है मेरे सामने। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुमने तो मोना की और हमारी जिंदगी को मजाक बना दिया है। आज आपको क्या हो गया है? प्रकाश तुम इतने सयाने मत बनो, आज तो मैंने माँ जी को हमारी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता दिया है और अपनी शादी के बारे में बात कर ली है। मोना बहन आप ये क्या कह रही हो, आपको थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमारे बीच ऑफिस के काम के अलावा और कोई संबंध है ही नहीं। अरे आप तो मेरी बहन के समान हो, मैंने तो कभी स्वप्न या संकल्प में भी ऐसा नहीं सोचा था। नहीं नहीं प्रकाश, तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे धोखा नहीं दे सकते। माँ जी, माँ जी, अब तो आप ही मुझे बचा सकती हैं। प्रकाश, कोई लड़की भला ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? नहीं, 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 तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। मम्मी जी आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। अब तो या तो तुम मोना से शादी करोगे या तो ये घर छोड़कर चले जाओगे। बस तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। मम्मी जी मैं किसी भी कीमत पर अपने ब्रह्मचारी जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आपका यही आखिरी फैसला है तो फिर मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पवित्र जीवन ही सब कुछ है। मैं परमात्मा की श्रीमत को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो फिर मोना? मोना नहीं माँ जी, मैं नारद हूँ, मैं देवलोक से आया हूँ। अरे नारद जी आप प्रणाम हो। प्रणाम और सम्मान करने योग्य तो आप हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, माँ जी, अगर मैंने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं प्रकाश जी की कसौटी करना चाहता हूँ। ये सब क्या है? क्या नारद जी, अभी आप ही मोना का रूप लेकर आए थे और मोना ने जो बातें सब बताई वो तो सब आपने की थी या फिर झूठा? नारायण नारायण, मैं ही मोना का रूप लेकर आया था और मैंने गलत कहानी बनाकर प्रकाश जी की कसौटी करना चाहा। पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि प्रकाश जी की अच्छाइयों, गुणों और महानताओं को तो मैंने देखा, लेकिन मैं उनके चारित्र की कसौटी करना चाहता था, इसलिए मोना का रूप लेकर मैंने ये सब कुछ किया। अब मैं प्रकाश जी के उत्तम चारित्र और दिव्यता से बड़ा प्रभावित हूं। सचमुच प्रकाश जी आप पक्के राजयोगी हैं। इस मायावी संसार में रहते हुए भी आप कमल पुष्प के समान पवित्र और दिव्य जीवन जी रहे हैं और मैं प्रकाश जी को सुबह से देख रहा हूं और दलपत राम जी का रूप लेकर मैं ही उनको लाज की लालच देने आया था।
लेकिन आप उसमें भी पार उतरे। सचमुच आप धन्य हो, अभी इस मनुष्य लोक में आप जैसा चरित्रवान गुणवान मानव मैं पहली बार देख रहा हूं। किन शब्दों में आपकी महानता की सराहना करूं? आप धन्य हो, आप महान हो। आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया। आप ही स्वर्ग के अधिकारी हैं। अरे इसमें हमारी कोई महानता नहीं है। महानता और महिमा तो उस परमपिता की, जिनकी कृपा से हम गुणवान बने और हमारा जीवन धन्य बना। आखिर ये सब कमाल उसी की है। नारद जी, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मेरे बेटे की परीक्षा करने आपको स्वयं आना पड़ा। मुझे भी था, मेरे मन में था बेटा कि मेरा बेटा ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। फिर भी अनजाने में मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना बेटा। मैं तुम्हारी महानता जान ही नहीं पाई। माँ जी, आप भी धन्य हो कि आपने ऐसे महान बेटे को जन्म दिया है। मैं आपके बेटे के लिए एक विशेष निमंत्रण लेके आया हूँ। स्वयं धर्मराज महाराज ने आपके बेटे को स्वर्ग के योग्य समझकर स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया है। प्रकाश जी, आप तो मेरे साथ स्वर्ग में आएंगे ना? मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे ना? मुनिवर, आपका और धर्मराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे स्वर्ग के लिए निमंत्रण दिया। मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं, जब परमात्मा संसार की सभी आत्माओं के लिए मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता खोलेंगे और इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे तब। महान है आप प्रकाश जी, सचमुच महान है। मैं भी यही सोच रहा था कि इस संसार की सर्व मनुष्य आत्माओं को स्वर्ग में बुला लिया जाए, और ये कार्य आप भी कर रहे हैं। तो मैं अब प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। चित्रगुप्त, आप तो ग्रंथ में ही खो गए। क्या बात है, कुछ बताइए तो सही। महाराज, संसार की हालत बहुत ही गंभीर है। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन महाराज, आजकल लोग भक्ति भी बहुत कर रहे हैं, लोग धर्म पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पाप कर्म से मुक्त नहीं हो रहे हैं। संसार में अभी तो धर्म ग्लानी हो रही है, और यही तो कलयुग की निशानी है। अगर मनुष्य अपने आप को भूलकर देह समझकर कर्म की गति को जाने बिना ही कर्म कर माया के चक्र में फंसता ही जाता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस मायावी चक्रव्यूह से निकलने का न तो कोई रास्ता बता सकता है और न ही इनसे मुक्ति दिला सकता है। पापों का जोर बढ़ता ही जा रहा है। लगता है कि संसार में जरूर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हर चित्र की गति उनके अंत का संकेत देती है। महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, संसार में जरूर कोई बड़ी घटना घटने वाली है। नारायण नारायण। महाराज, धर्मराज की जय हो। पधारिए नारद जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या समाचार है। धन्यवाद महाराज, मैं अभी आपकी आज्ञा अनुसार प्रकाश जी से मिलकर आया हूँ। मैं उससे मिलकर धन्य हो गया। संसार में रहते भी उनका जीवन सद्गुणों से भरा हुआ है। उनका जीवन पवित्रता की जलती मशाल की मिसाल है। पापाचारी कलियुगी संसार के कादों में रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र बनाया है। सचमुच प्रकाश जी ही स्वर्ग में आने के अधिकारी है। तो आपने उन्हें स्वर्ग का निमंत्रण दिया कि नहीं? जी महाराज, मैंने उनको स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु, इस संसार के सभी मनुष्यों के लिए जीवन मुक्ति के दरवाजे खोलेंगे और ये संसार स्वयं स्वर्ग बन जाएगा, तभी मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार होऊंगा। नारद जी, प्रकाश जी ने सच ही कहा है। बस अब स्वर्ग का गेट खुलने का समय आ गया है। स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है? हाँ मुनिवर, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मृत्यु लोक में प्रकाश के साथ उनके जैसी कई आत्माएं
स्वयं को देवता तुल्य बनने का पुरुषार्थ कर पवित्र बनकर स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो रही है। हाँ, अब सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है और इस अंतिम परिवर्तनशील समय में ज्ञान योग पवित्रता से आने वाली नई दुनिया स्वर्ग के लिए तैयार है। इसलिए सृष्टि के नियंता स्वयं विश्व कल्याणकारी गीता ज्ञान यज्ञ की भारत में स्थापना कर विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया। हे मनुष्य, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। हे मनुष्य, जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया और क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? ठीक उसी प्रकार आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हे मनुष्य, इस रेडिएंट उपदेश अब गीता को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया और क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन ने जवाब दिया था कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अब प्रश्न यह उठता है कि मुझको आप क्या जवाब देते हैं? संजय ने अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुई वार्तालाप की गवाही दिया। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। संजय ने गवाही देने के क्रम में यह भी कहा कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। संजय ने यह भी कहा कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गाढ़ीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अब प्रश्न यह उठता है कि आपने मुझसे क्या सुना? आपने मेरे सामर्थ्य को क्या आका? आपने मेरे विभूति को क्या जाना? और आपका मेरे बारे में क्या मत है, इसको बताइए और संजय की तरह लोगों में इसकी गवाही दीजिए। हे मनुष्य, यह था रेडिएंट उपदेश अब गीता अध्याय 18, जिसमें मैंने अति रहस्यमय और गुप्त रखने योग्य बातों को खोल कर बताया। हे मनुष्य, यह ज्ञान इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की खड़ी है। हे मनुष्य,
आज आपने सुना रेडिएंट उपदेश अब गीता का अंतिम अध्याय 18। आज रेडिएंट उपदेश अब गीता अर्थात गीता का तेजोमय उपदेश अर्थात गीता का उथल पुथल ज्ञान और यह आज समाप्त होता है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या आपको एक अच्छा जीवन चाहिए, क्या आपको इस मार्ग पर चलना चाहिए। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ और मैं आपके लिए भला चाहता हूँ। इसीलिए आपको मैंने परम उत्तम और अति गोपनीय ज्ञान दिया। यह ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। आज मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। धन्य हो प्रभु। मुनिवर, अब कलयुग भी अपने अंतिम चरण में है। जिन्होंने इस कलयुग के अंत के भी अंतिम समय में अपने आप को आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर माया अर्थात पांच विकारों से मुक्त होकर राजयोग का अभ्यास किया है, ऐसी बहुत सारी आत्माएं स्वर्ग में आएंगी। लेकिन उससे पहले विश्व का महापरिवर्तन अर्थात महाविनाश होने जा रहा है, क्योंकि सर्व आत्माएं अब अपने कर्मों के अनुसार फल पाएंगी और स्वर्ग का फल पाएंगे। धन्य है देवों के देव परम कृपालु परमात्मा, आखिर आपने इस सृष्टि की सर्व दुखी आत्माओं को मायावी आसुरी साम्राज्य से मुक्त करने का मार्ग खोल ही दिया। आसमान से जलते हुए गंधक की बारिश हुई। उस भयंकर आग से पूरा स्वर्ग ध्वस्त हो गया।